मैं डॉक्टर सुभाष स्वागत करता हूं आपका आज की इस चर्चा में। आज की हमारी चर्चा का विषय है आदिकाल की परिस्थितियां। किसी भी समाज या देश का साहित्य उसके परिवेश में ही सृजित होता है। परिवेश का प्रभाव साहित्य पर अनिवार्य तौर पर पड़ता है। किसी काल के साहित्यिक मूल्यों को समग्रता में ग्रहण करने के लिए तत्कालीन परिवेश का बोध होना जरूरी है। सन 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक के काल को हिंदी का आदिकाल माना गया है। इस काल में राजनीतिक सत्ता, राजनीतिक प्रक्रियाओं और शासकीय नीतियों में आम जन की विशेष भूमिका नहीं थी, लेकिन राजनीतिक परिघटनाओं का आम जन के जीवन पर असर पड़ता था। इस समय में सामाजिक जनजीवन पर राजनीति से अधिक धर्म का नियंत्रण था। धार्मिक व्यवस्थाएं उसके जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करती थी। हिंदी साहित्य का सृजन स्थान उत्तर भारत है। आदिकालीन हिंदी साहित्य की संवेदना की बनावट और उसके मर्म को समग्र तौर पर जानने के लिए इस काल के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक व सांस्कृतिक परिवेश को जानना जरूरी है। आदिकालीन राजनीतिक परिस्थिति की मुख्य रूप से दो विशेषताएं हैं। एक, केंद्रीय शासन की समाप्ति के फलस्वरूप राजाओं के परस्पर युद्ध। दूसरी, विदेशी आक्रमण और तुर्कों के शासन की स्थापना। इस परिस्थिति पर विचार करके हम साहित्य पर इसके प्रभावों की चर्चा करेंगे। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तर भारत की केंद्रीय शासन सत्ता छिन्न भिन्न हो गई। केंद्रीय सत्ता के अभाव में छोटे छोटे राजनीतिक केंद्र उभर कर आए। छोटे छोटे सामंतों ने स्वयं को सम्राट घोषित कर दिया। अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए वे आपस में लड़ने लगे। 9वीं-10वीं शताब्दी में राजपूतों का उदय इस काल की एक महत्वपूर्ण घटना है। राजपूतों में चार वंश, प्रतिहार, चहमान या चौहान, सोलंकी और परमार या पंवार महत्वपूर्ण थे। छोटी छोटी घटनाओं को प्रतिष्ठा के साथ जोड़कर प्रत्येक राजवंश युद्धों में उलझा रहा। इस समय की राजनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण घटना है विदेशी आक्रमण। अफगानिस्तान के गजनी प्रदेश के शासक महमूद ने मध्य एशिया पर राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करने की ठानी। उसने भारत की अपार संपदा को लूटने के लिए आक्रमण किए। लगभग हर साल फसल के समय वह आक्रमण करता और लूट मार करके चला जाता। शायद वह भारत पर स्थायी राज्य स्थापित नहीं करना चाहता था, क्योंकि लूट मार भारत से करके मध्य एशिया के आक्रमणों में व्यस्त हो जाता था। सन 1030 में महमूद की मृत्यु हो गई। उसके उत्तराधिकारियों की भारत में कोई दिलचस्पी नहीं थी। भारत के शासक निश्चिंत हो गए और आंतरिक कलह में उलझ गए। 11वीं व 12वीं शताब्दी में राजपूत शासक एक दूसरे के विरुद्ध निरंतर युद्ध करते रहे। कन्नौज के राजा जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के संघर्ष तो प्रसिद्ध हैं। 12वीं शताब्दी के अंत में गौरी के सुल्तान मुहम्मद ने भारत पर आक्रमण किया। वह महमूद गजनी की तरह लूटमार के इरादे से नहीं आया था, बल्कि यहाँ राज्य स्थापित करना चाहता था। सन 1182 में सिंध के शासकों ने उसका आधिपत्य स्वीकार कर लिया और 1185 में उसने लाहौर जीत लिया। भारत पर अपना अधिकार जमाने के लिए वह दिल्ली की ओर बढ़ा, लेकिन सन 1191 में पृथ्वीराज चौहान के नेतृत्व में राजपूतों ने तराइन के मैदान में उसे करारी शिकस्त दी। परंतु कुछ महीने बाद सन 1192 में उसने फिर आक्रमण किया और पृथ्वीराज को हरा दिया। दिल्ली पर अधिकार करके उसने अजमेर को भी अपने अधीन कर लिया। सन 1206 में मुहम्मद गोरी की हत्या हो गई, लेकिन तुर्क अफगान वापस नहीं गए और यहाँ अपना राज्य कायम किया। मुहम्मद गोरी की विजय के साथ भारत में एक अलग किस्म की राजनीतिक शक्ति का उदय हुआ। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक आदि वंशों का शासन रहा। इस समय के शासकों में कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, ग्यासुद्दीन तुगलक,
मोहम्मद बिन तुगलक के नाम लिए जा सकते हैं। यह समय युद्धों से भरा समय है। ये शासक इस्लाम धर्म से ताल्लुक रखते थे, लेकिन इनका शासन इस्लाम धर्म के अनुसार नहीं था। ये धर्म की अपेक्षा अपने राजनीतिक व शासकीय हितों को ही प्राथमिकता देते थे और इसी के अनुसार निर्णय करते थे। दिल्ली में तुर्क सल्तनत की स्थापना के समय से ही सुल्तानों ने अपना शासन शरीयत के आधार पर नहीं चलाया। शरीयत की जगह राजनीतिक और सामरिक जरूरतों को ध्यान में रखा गया था। सुल्तान अल्तमस के बारे में यह प्रचलित है कि उसके लिए यह हरगिज जरूरी नहीं था कि वह धार्मिक विश्वास को केंद्र में रखे। उसके लिए इतना ही काफी था कि उसका अपना विश्वास बना रहे। बलबन के बारे में तो यहां तक कहा जाता है कि वह एक कदम और आगे चला गया था। उसने सुल्तान से यह भी अपेक्षा नहीं की कि उसका कोई विश्वास हो ही, और न ही उसे किसी धर्म या मत को संरक्षण देने की जरूरत है। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण था कि वह न्यायकारी हो सके। अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत ही महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया कि उसने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि उसके निर्णय शरीयत के मुताबिक हैं या नहीं। उसने जो कुछ भी राज्य के हित में उचित समझा उसी का पालन किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने धर्मशास्त्रियों और धार्मिक कानून के संरक्षकों को शासन के ऊपर हावी नहीं होने दिया, बल्कि वह हमेशा ही दार्शनिकों और तर्कशास्त्रियों की संगति पसंद करता था। शासक अपने धार्मिक कानून के अनुसार राजनीतिक निर्णय नहीं लेते थे, बल्कि राजनीति के अनुसार वे अपने राज्य के फैसले करते थे। धर्म को लेकर उलेमा और राजाओं के दृष्टिकोण में भारी अंतर था। राजनीतिक तौर पर यह युद्धों का समय था। भारतीय मूल के राजपूत शासक भी आपस में युद्ध करते रहते थे और बाहर से आए तुर्क शासक भी युद्धों में व्यस्त रहते थे। अब हम चर्चा करेंगे कि इस राजनीतिक परिस्थिति ने साहित्य को किस तरह से प्रभावित किया। केंद्रीय सत्ता का वर्चस्व समाप्त होने से छोटे छोटे स्थानीय शासन उभरे और अपने राज्य का विस्तार करने के लिए परस्पर युद्ध करने लगे। इस स्थिति ने साहित्य रचना के ढर्रे को बदल दिया। राजा निरंतर युद्धों में व्यस्त रहते थे और उनके दरबारियों को भी उनके साथ रहना होता था। कवि भी राजा के दरबारी थे। साहित्यकारों ने युद्धों को अपने सामने देखा। इससे कवियों को युद्ध के प्रत्यक्ष अनुभव हुए। शायद इसी वजह से इस काल के साहित्य में युद्धों के इतने सजीव चित्रण हुए हैं। केंद्रीय शासन के दौरान राज दरबार में संस्कृत का पांडित्य प्रदर्शन ही साहित्य का पर्याय हो गया था। संस्कृत साहित्यकार राज दरबारों की शोभा थे। राज दरबारों का परिवेश, राज दरबारी रुचियां और जीवन साहित्य को दिशा व गति प्रदान कर रहे थे। केंद्रीय सत्ता के छिन्न भिन्न होने से राजाओं का जीवन भी बदला, राज दरबारों का परिवेश भी बदला और उनकी सांस्कृतिक जरूरतें भी बदली। स्थानीय भाषाओं में साहित्य रचना को प्रोत्साहन मिलने लगा। इतिहासकारों ने माना है कि इस काल में ही भारत में सामंतवाद का उदय हुआ। राजा अपने अधीन अधिकारियों को भूमि अनुदान में देता था। नकद वेतन के स्थान पर भूमि अनुदान ने सामंती प्रक्रिया को बल दिया। खेती का काम शूद्र करते थे जो वास्तव में भूमि से बंधे होते थे। ये अपनी पैदावार का निश्चित अंश जमींदार को देते थे। सामंतों को किसानों से लगान वसूल करने का अधिकार था। इसका एक हिस्सा वह राजा को देता था और शेष में से सेना रखता था। राजा को जब जरूरत पड़ने पर इस सेना को राजा की सेवा में हाजिर करता था। युद्धों की अधिकता से सामंती सैनिकों की व्यवस्था प्रबल हुई, जिससे राजपूत वंशों के उत्थान में वृद्धि हुई। पहले की अपेक्षा सन 1000 के आसपास अधिकारियों को भूमि अनुदान अधिक दिए जाने लगे। छोटी छोटी घटनाओं को प्रतिष्ठा के साथ जोड़कर युद्धों का सिलसिला निरंतर जारी रहा। राजपूतों का प्रत्येक राजवंश युद्धों में उलझा रहा। निरंतर युद्धों में रहने के कारण आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। उत्पादन स्थानीय जरूरतों के लिए होता था, कर बहुत ज्यादा थे, इसलिए उत्पादक वर्ग अतिरिक्त उत्पादन के प्रयास नहीं करता था। क्योंकि अधिक पैदावार होने पर जमींदार अधिक वसूल करते थे। अधिक पैदावार होने से उत्पादकों को कुछ अतिरिक्त हासिल नहीं था, इसलिए
वे अतिरिक्त उत्पादन के प्रति उदासीन थे, उत्साहित नहीं थे। किसान केवल अपने जीवन निर्वाह के लिए फसलें उगाते। कुलीन वर्ग स्वयं खेती नहीं करता था, बल्कि किसानों से खेती करवाता था। किसानों की गिनती शूद्र वर्ण में होती थी। जाति व्यवस्था के कारण खेती करना हीन कार्य माना जाता था। बौद्ध विहार भी अपनी खेती किसानों से करवाते थे। किसान सामंतों के अधीन थे। समस्त राजनीतिक और आर्थिक सत्ता कुछ ही हाथों में केंद्रित थी। सामंती ढांचे में उप सामंतों की वृद्धि के कारण राजा और प्रजा दोनों की स्थिति कमजोर हो गई और सामंत फलने फूलने लगे। सामंतों और राजाओं का अतिरिक्त धन उनके महलों की भव्यता और मंदिरों पर खर्च होता था। राजसी वैभव का खूब प्रदर्शन होता था। नकद, सोना, मूर्तियों व रत्नों के रूप में मंदिरों में अपार धन संपदा होती थी। इस बात से इसका अनुमान लगाया जा सकता है कि सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण से महमूद गजनी को भारी मात्रा में दौलत प्राप्त हुई। मंदिर में इतना धन कैसे इकट्ठा हुआ, इसकी पड़ताल करना हमारा विषय नहीं है। ग्रामीण अर्थतंत्र में श्रम की विशिष्टता के कारण गांवों में उपजातियों की संख्या बढ़ी। तकनीकी ज्ञान रखने वाली जातियों को हीन माना जाता था और इन व्यवसायों को बुरा। सामाजिक वर्चस्व के लिए ब्राह्मणों और वणिकों में संघर्ष हुआ। भूस्वामी बनकर और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करके ब्राह्मण विजयी हुए। वणिक वर्ग के पतन के कारण बौद्धों की स्थिति भी कमजोर हो गई, क्योंकि वे आर्थिक सहायता के लिए वणिकों पर निर्भर थे। केवल पूर्वी भारत में राजकीय संरक्षण के कारण बौद्धों का प्रभुत्व रहा। सामंती समाज में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। सामंत कई कई स्त्रियां रखते थे, वह भोग्य मात्र थी। स्त्री के लिए युद्ध होते थे। सामंती नजरिए का प्रभाव धार्मिक संरचनाओं पर भी पड़ा। मंदिरों में देवदासियां रखने का चलन आरंभ हुआ। सिद्धों ने अपनी साधना पद्धति में सहवास सुख को ब्रह्मानंद के समकक्ष संज्ञा दी। शिक्षा का ढांचा वर्ण व्यवस्था के ढांचे से जुड़ा हुआ था। ब्राह्मणों के केंद्रों में दी जाने वाली औपचारिक शिक्षा धार्मिक होती जा रही थी। प्राचीन धर्म ग्रंथों पर बल देने से औपचारिक शिक्षा रटंत विद्या बनकर रह गई थी। तथ्यों पर तर्क करके जिज्ञासा शांत करने की गुंजाइश इसमें नहीं थी। धर्म की शिक्षा पर जोर देने से बौद्धिक परंपरा के विकास को गहरा आघात पहुंचा। शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा थी। इस कारण से औपचारिक शिक्षा सामाजिक व आर्थिक आभिजात्य वर्ग तक सीमित होकर रह गई। बौद्ध विहारों में शिक्षा उदार थी। इसके केंद्र पूर्वी भारत में थे। तुर्कों द्वारा इनको नष्ट कर देने से यह समाप्त हो गई। धार्मिक क्षेत्र में यह समय बौद्धों का अवसान काल है। बौद्ध धर्म की कई शाखाएं उभर आई थी। हीनयान, महायान, वज्रयान और सहजयान। हीनयान बौद्ध दर्शन और शिक्षाओं को मूल रूप में रखने और व्यक्तिक निर्वाण पर बल देता था। महायान ने बौद्ध दर्शन की मूल परंपराओं को त्याग कर इसमें योग और भक्ति की परंपराओं को जोड़ दिया। धीरे धीरे तंत्र मंत्र, हठ योग, पंचमकार यानी मांस, मत्स्य, मैथुन, मद्य और मुद्रा इनकी साधना पद्धति का हिस्सा बन गए। इन शाखाओं से सिद्ध और नाथ पंथ अस्तित्व में आए। सामाजिक तौर पर ये समतामूलक मूल्यों के पक्षधर थे। वर्ण धर्म के सामाजिक भेदभाव की विचारधारा तथा धार्मिक आडंबरों व कर्मकांडों की बेबाक आलोचना करते थे, जिस कारण समाज के निम्न वर्गों में इनकी गहरी पैठ थी। अपनी उलट बांसियों से युक्त प्रतीकात्मक भाषा से साधारण जन को चमत्कृत करते थे। सिद्ध और नाथ अपनी साधना पद्धति की असंगतियों के कारण जनजीवन से कटे हुए थे। सिद्धों ने साधना पद्धति में तंत्र मंत्र व वामाचार को अनिवार्य सा कर दिया था। वे भोगवाद का शिकार हो गए थे। नाथ पंथ अपनी कठोर जीवन पद्धति व गृह त्याग के सिद्धांत के कारण सामाजिक जीवन से दूर हो गया। केंद्रीय सत्ता टूटने से धर्मों की केंद्रीयता भी टूट गई। जिस तरह राजाओं में सत्ता संघर्ष हो रहा था, धर्मों में भी संघर्ष शुरू हो गया। बौद्धों और ब्राह्मणों में संघर्ष होने लगे। धर्मों में विकृतियां आई। धर्म में जादू टोने, तंत्र मंत्र का प्रवेश हुआ। सिद्धों और नाथों में ही नहीं, बल्कि वैष्णव और शैव मतों में भी इनका प्रवेश हुआ।
बौद्धिक स्तर पर शंकराचार्य ने बौद्ध और जैन धर्म को चुनौती दी। जैन धर्म इसलिए समाप्त नहीं हुआ क्योंकि उसे पश्चिमी भारत के व्यापारियों का समर्थन था। बौद्ध धर्म का विकास अवरुद्ध हो गया क्योंकि व्यापार कमजोर पड़ गया था। व्यापारी ब्राह्मण सत्ता संघर्ष में ब्राह्मण सामंतों के साथ जुड़े और भूस्वामी बन गए। इस काल में ही भारत में सूफियों का आगमन हुआ। सूफी यहाँ के जीवन में पूरी तरह रम गए। शेख फरीद, निजामुद्दीन औलिया, कलंदर आदि सूफियों ने भारतीय समाज को गहरे से प्रभावित किया। लाहौर, मुल्तान, उच्च अधोजन, सरहिंद, हांसी, समाना, पानीपत, करनाल, दिल्ली और अजमेर सूफियों के महत्वपूर्ण केंद्र थे। सूफियों की खानकाहों में मुसलमान ही नहीं हिंदू भी जा सकते थे। इस संगति से एक नई संस्कृति पनप रही थी। खानकाहें मनुष्यों में समता का संदेश दे रही थी। वहां ऊंच नीच सबके साथ समान व्यवहार किया जाता था। इससे जाति प्रथा निर्मित सामाजिक स्तरीकरण तथा भेदभाव को करारा झटका लगा। निरअहंकार सूफी संत भारतीय जनता को अच्छे लगने लगे थे। सूफियों के एकेश्वरवाद और मानवों में समानता व भाईचारे के संदेश ने परंपरागत तौर पर चली आ रही जीवन पद्धति की चूल्हे हिला दी। सूफियों ने भारत की जनभाषाओं में अपनी रचनाएं की। इससे जनभाषाओं का विकास हुआ। शेख फरीद ने पंजाबी, शेख मोहम्मद ने मराठी में लिखा। अमीर खुसरो का इस संबंध में विशेष योगदान है। खान पान, पहनावा, संगीत, स्थापत्य कला, जीवन के हर पहलू पर प्रभाव पड़ा। शासक चाहे राजनीतिक सत्ता के लिए आपस में लड़ते रहे हों, लेकिन लोग एक दूसरे के करीब आ रहे थे। सांस्कृतिक सम्मिश्रण से एक नई संस्कृति जन्म ले रही थी। इस सांस्कृतिक जमीन पर ही बाद में अनेक पंथों का जन्म हुआ जिन्होंने सामाजिक वर्चस्व को चुनौती दी। तुर्कों के आगमन से पहले शिक्षा, साहित्य व राजकाज की भाषा संस्कृत थी। तुर्कों ने इस स्थिति को बदल दिया। जनभाषाओं में साहित्य की रचना ने जोर पकड़ा। आदिकाल में साहित्य की रचना के तीन केंद्र थे। राजाओं के दरबार में रचित साहित्य, जिनमें राजाओं के युद्ध, विवाह, प्रेम और शिकार मुख्य विषय वस्तु थे। राजाओं की स्तुतियां, युद्धों के वर्णन, राजाओं की वीरता के अतिशोक्तिपूर्ण चित्रण, राजाओं की विलासिता का महिमागान इस साहित्य की मुख्य विशेषताएं हैं। धर्मस्थलों में रचित साहित्य, अपने मत का प्रचार इस साहित्य का उद्देश्य था। अपने मत की अंतसाधना, नीति, सदाचार के उपदेश इनकी विषय वस्तु थे। सिद्ध, नाथ और जैन मत के साहित्य को इसी श्रेणी में रख सकते हैं। लोक परक साहित्य, जिसमें लोक जीवन के चित्र हैं, जनजीवन में प्रचलित कथाएं इसका आधार हैं, साधारण जनता की रुचियों को इसमें स्थान दिया गया है। भाषा की दृष्टि से संस्कृत, अपभ्रंश, हिंदी, फारसी के अलावा लोक भाषाओं में भी साहित्य रचनाएं हुई हैं। आधुनिक आर्य भाषाओं का उद्भव इसी समय में हुआ और इनमें साहित्य रचा जाने लगा। उत्तर भारत के जीवन के हर क्षेत्र में यह समय उथल पुथल का समय है। राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक पक्षों में भारी बदलाव हुए। परंपरागत सत्तासीन सामाजिक वर्गों की सत्ता को तथा केंद्रीय राजनीतिक सत्ता को चुनौती मिली। स्थानीय सत्ताएं स्थापित हुई। स्थानीय संस्कृतियों, बोलियों, भाषाओं, कलाओं का उभार आया। तुर्कों के आगमन ने यहाँ के जीवन में हलचल पैदा की। समाज के निम्न वर्गों में सामाजिक बराबरी, भाईचारे और समानता की चाह पैदा हुई। हिंदी साहित्य की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण काल है। इसी काल में हिंदी भाषा में साहित्य रचा जाने लगा। बाद में यह भाषा उत्तर भारत की साहित्यिक अभिव्यक्ति की मुख्य भाषा बनी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।